स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या वैसा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब सामान्य ज्ञान कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि हम लोग लूसेंट बुक से, जो सामान्य ज्ञान का बुक आता है लूसेंट, उस बुक से हम लोग इसमें कंप्यूटर साइंस का, मतलब कंप्यूटर विज्ञान का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस का जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवेन है इसमें, इस बुक में, वह सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और आपका जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी आपका फुल फॉर्म वाला जो क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, वह सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका क्लियर मेंशन है, अगर आपके पास बुक होगा तो वहां पे आप देख सकते हैं। पहला आपका पॉइंट है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस का जो फादर है वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग देखे तो वॉन न्यूमैन का एक का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। तो कंप्यूटर का जो विकास हुआ था उसमें सर्वाधिक योगदान जो है वॉन न्यूमैन का है। नेक्स्ट आपका है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम जो है आपका आधुनिक कंप्यूटर का खोज जो है आपका 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई। ठीक है, उसके बाद आपका पॉइंट है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। सबसे ज्यादा अगर विश्व में बात करें तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर का जो यूज करने वाला जो देश है वह आपका अमेरिका है। ठीक है, इसके पश्चात क्रमशः आपका जापान है, उसके बाद अमेरिका के बाद जापान है, उसके बाद जर्मनी है, ब्रिटेन है एवं फ्रांस का स्थान आता है। और इस सूची में जो है आपका भारत का स्थान जो है आपका 19वां है। भारत का नंबर जो है 19वां है कंप्यूटर में, विश्व में कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद पहला नंबर पर कौन है आपका, अमेरिका है, सेकेंड पे जापान है, उसके बाद जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, और आपका 19वां नंबर पे आपका भारत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाली इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। जो भी कंप्यूटर होता है जिसमें एक भाग से दूसरे भाग में जो सिग्नल ट्रांसफर किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखे आपका नेक्स्ट पॉइंट, 2 दिसंबर जो है आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। ठीक है, तो इस भी ये अभी क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है कि भारत में जो है कंप्यूटर नीति कब घोषणा की गई थी, इसके लिए 1984 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में जो निर्मित कंप्यूटर है उसमें जो पहला कंप्यूटर कौन है, तो उसका नाम क्या है, सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। ठीक है, उसके बाद आपका भारत का प्रथम कंप्यूटर कीर्त डाकघर नई दिल्ली का है। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटर कीर्त पेट्रोल पंप जो आपका मुंबई में है। उसके बाद आपका निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो आपका स्थापित होने वाला जो है भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय का नाम क्या है, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि भारत का सिलिकॉन घाटी बेंगलोर को कहा जाता है। बेंगलोर जो है उसमें भारत का हम लोग सिलिकॉन घाटी भी कहते हैं। कंप्यूटर जो है आपका 3 प्रकार के होते हैं, पहला होता है डिजिटल,
एनालॉग, उसके बाद आपका हाइब्रिड होता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर आपका तीन प्रकार के होते हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, एक एनालॉग होता है, और एक आपका जो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जेएस किलबी ने किया था। तो इंटीग्रेटेड चिप्स जो आता है, इसका जो विकास जो है वह जेएस किलबी के द्वारा किया गया था। उसके बाद आपका है कि चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। जो आपका चुंबकीय डिस्क होता है उस पर आपका आयरन ऑक्साइड की क्या होती है, परत होती है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट पॉइंट कि टीम बर्नर्स-ली WWW जो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है। ठीक है, जो WWW होता है इसका टीम बर्नर्स के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था, और जो WWW होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट आपका है कि असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। जो असेंबलर जो होता है वो क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करता है। जो भी असेंबली लैंग्वेज होता है उसको क्या करता है, असेंबलर असेंबली भाषा को जो है कन्वर्ट कर देता है यंत्र भाषा में, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। ठीक है, उसके बाद है कि तिनाहे 2 चीन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। यह भी आपका इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो है आपका बिट है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, कंप्यूटर जो डेटा है इसका सबसे छोटी इकाई क्या कौन सा है, तो वह बिट होता है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बिट कहा जाता है। ठीक है, जो आपका बाइनरी नंबर होता है 0 और 1, इसी के थ्रू जो है आपको बिट का जो है बनाया जाता है। ठीक है, अंतिम अक्षर से जो बनता है 0 1 से, इसी को हम लोग बिट बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एनालॉग कंप्यूटर किसको बोलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वह कंप्यूटर होता है जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। एनालॉग व डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जो आपका एनालॉग कंप्यूटर है और डिजिटल कंप्यूटर है, अगर दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो आपको हाइब्रिड कंप्यूटर, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाला बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। जितने भी कंप्यूटर आप सामान्य नॉर्मल देखते हैं उससे जो 10 गुना कार्य करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, एक सुपर कंप्यूटर करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। अगर एक सुपर कंप्यूटर जो होता है ना उसमें 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगा फॉल्ट से मापा जाता है। जो कंप्यूटर का जो स्पीड होता है उसको हम लोग मेगा फॉल्ट से मापते हैं। यह भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेगा फॉल्ट क्या होता है, तो कंप्यूटर को गति के नापने के में हम लोग मेगा फॉल्ट को यूज करते हैं। ठीक है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेकेएस था जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। ठीक है, 32 कंप्यूटर के बराबर कार्य करने सकने वाला डीप डब्ल्यू कंप्यूटर 1 सेकेंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। 32 कंप्यूटर के बराबर जो कार्य करने सकने वाला जो एक डीप डब्ल्यू कंप्यूटर है वह 1 सेकेंड में जो है आपका शतरंज का 20 करोड़ चाल को समझ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसका कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें गिवेन है, क्या है, सोच सकता है। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैर कास्पारवो को पराजित किया था। ठीक है, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम जो है एनियक है। अगर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो विश्व है उसका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है, तो एनियक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे तो विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम जो है आपका इंटरनेट है। याहू गूगल एवं एमएसएन इंटरनेट जो है आपका एक सर्च इंजन है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू व प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे है। यूएस नेट तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है।
ठीक है। इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज्यादा मदद करता है। आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने की थी, जो मैकगिल यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो आपको आर्क का जो है विकास किया गया था, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। जब कोई भी नेटवर्क होता है उसका एक धारक जो है वह दूसरे नेटवर्क के साथ जुड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई जो एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं उसमें कंप्यूटर विज्ञान पूछा जाता है उसके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं, ठीक है। 1 किलोबाइट जो होता है उसको 1024 बाइट के तुल के बराबर होता है। 1 MB जो होता है वह 1024 KB के बराबर होता है। 1 GB जो होता है आपका 1024 MB के बराबर होता है। आपसे कोई बोलता है कि 1 GB का फाइल है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें 1024 MB है, ठीक है। 1 MB का है मतलब 1024 KB है, 1 KB है, उसका क्या होता है, 1024 बाइट है। यह भी आपका जनरल यूज होता है, अगर आप जनरली एंड्रॉइड फोन का यूज करते हैं तो आपको यह पता होगा। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेसलेन ने लिखा था। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन लेखक टेसी कीडर की पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। पुलित्जर जो पुरस्कार है उनको दिया गया था। कंप्यूटर का प्रथम पत्रिका जो है कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन है, ठीक है। जो कंप्यूटर का प्रथम पत्रिका जो है कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर VIC/20 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वैज्ञानिक के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरकृत करने के लिए सबसे आसान है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो है आपका यूनिक था। विश्व में जो सबसे पहले आपका जो डिजिटल कंप्यूटर बना है उसका नाम क्या है, यूनिक है। फोटोन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। जो फोटोन जो है वह प्रोग्राम हेतु जो है विकसित की गई क्या है, सर्वप्रथम भाषा है। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा HLL अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS Kilby के द्वारा जो है किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। जो आपका इंटीग्रेटेड जो चिप होता है उस पर आपका क्या होता है, सिलिकॉन की परत होती है। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी बेंगलोर ने फुलस्पर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए, उसके बाद आपका पॉइंट है कि कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। जो भी कंप्यूटर पर जो आपको परमाणु परीक्षण होता है उसको हमको क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल बोलते हैं, सब क्रिटिकल परीक्षण उसको हम लोग बोलते हैं। जब कंप्यूटर पर जो परमाणु परीक्षण किया जाता है उसको हम लोग सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपका इम्पोर्टेंट सिंबल होता है उसको हम लोग देखें, ALU। जो आपका जनरली पूछा जाता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या हुआ, इसका मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ठीक है। उसके बाद LGOL होता है, इसका मतलब अल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग BCD लिखा हुआ था, इसका मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आपका है CAD, इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट आपका है CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। उसके बाद आपका क्लास है, क्लास का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर से संबंधित है या भी आपका कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल। COML कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम लोग हमेशा यूज करते हैं कि DOS है तो DOS मतलब क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS का मतलब होता है डेस्कटॉप सिस्टम। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट यह फुल फॉर्म है जो आपको ऑलवेज कोई ना कोई एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखें ENIC। ENIC का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फैक्स फार अवे जीरोक्स। फ्लॉप्स फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। HLL हाई लेवल लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह हमेशा पूछा जाता है गवर्नमेंट के जो भी आपका एग्जामिनेशन होता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LISP लिस्ट प्रोसेसिंग।
MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MOPS मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जब का एग्जामिनेशन होता है वो OMR चिप से होता है, इसलिए जो बोला उसका जो फुल फॉर्म क्या होता है OMR का, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर से कॉपी चेक किया जाता है। PCDOS पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो आपका होता है PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। RAM जो आपका RAM का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आपका होता है RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। नेक्स्ट आपका होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद आपका VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आपका WAN वाइड एरिया नेटवर्क, WWW इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपका लूसेंट बुक में गिवेन है, ठीक है। अगर आपको फुल डिटेल्स चाहिए बुक में जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो फुल डिस्कशन होता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद जो हम आपका नेक्स्ट वीडियो जो है कंप्यूटर से रिलेटेड लेके आ जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब